साईं सदाराम महाराज की जय। संत साईं दृष्टिलाल जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज के इस व्यासपीठ का ईश्वरीय अधिष्ठान श्रीमद् भागवत महापुराण और यहां अधिष्ठान जिस आंगन में विराजमान हुआ है, ऐसी साईं सदाराम जी की आशीर्वादित पुण्य भूमि, ऐसे साईं सदाराम जी के दरबार की दहलीज को मैं श्रीमद् भागवत जी के साथ साथ साष्टांग प्रणिपात करता हूं। गए 7 दिन से आपने जो आनंद लिया है, उठाया है, भागवत कथा की गंगा में जो गोते लगाए और कथा को गंगा ही कहा गया है, कथा जमुना नहीं, कथा सरजू नहीं, कथा गंगा कहा है। गंगा क्यों कहा है, गंगा की मायने क्या है? वैसे तो गंगा जी के प्रादुर्भाव की भिन्न भिन्न कथाएं कही गई हैं। सगर जी का आख्यान है ना। वैसे एक कथा में मैंने यह भी सुना है कि भक्तों की कल्याण का कार्य करते करते नारायण जी जब उनको श्रम हुए और भक्तों का कल्याण करते करते जो उनको पसीना आया तो उनके शरीर का घर्म बिंदु मस्तक से चरण तक पहुंच गया और चरणों से जब वहां वैकुंठ से विदा होने लगा तो अपने भगवान के विरह से वो रोया कि आज मुझे मेरे भगवान का विरह हो रहा है और हे नारायण, हे नारायण, हे कृष्ण, हे परमात्मा, हे भगवान, ऐसा कहते कहते वह घर्म बिंदु जल बिंदु पसीने का अपने प्रवाह में लग गया और गमन करता हुआ माने जाता हुआ और नारायण नारायण ऐसा गायन करता हुआ, हरि हरि ऐसा गायन करता हुआ, गमनंते गायन्ते इति गंगा, इसलिए उस बिंदु का नाम गंगा हो गया। एक बिंदु रोया उसके हजार लाखों खरब अरब बिंदु हो गए और छोटे से गंगा मुख से निकली हुई वह गंगा आज विराट स्वरूप धारण करके काशी विश्वनाथ से भी आगे जाकर गंगा सागर में विलीन हो जाती है। तो कथा को गंगा का ही उपमेय दिया गया, उपमान दिया गया। गंगा जमुना नहीं, गंगा सरजू नहीं, कथा गंगा। तो आप सभी ने श्रीमद् भागवत कथा की गंगा में गोते लगाए और गंगा जी ने जो किया वह व्रत आपने भी धारण किया है। अपने जीवन का प्रवास गंगा का बिंदु करता करता हरि नारायण का नाम सुमिरन कर रहा है। हम भी आज से यह संकल्प करें, एक हाथ में काम और एक हाथ में नाम, एक सांस और एक नाम, एक पल भी भगवान श्री हरि परमात्मा का विस्मरण ना करते हुए जैसे गंगा जी नारायण और भगवान के विरह में अपना प्रवास करती है वैसे अपने जीवन का प्रवास हम श्रीमन नारायण और भगवान के नाम सुमिरन के साथ साथ करें। सजायो गुल गुलाब जावे छायो मुके पक्को आ विश्वास ईंदो साईं।
जगा सजा।